यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रभु श्रीराम किसके अवतार थे? श्रीराम के अलावा उनके तीन भाई किसके अवतार थे और क्या उनकी एक बहन भी थी? हिंदू धर्म में पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण सभी के जीवन में प्रेरणा स्रोत मानी जाती है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। इस धार्मिक ग्रंथ से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। वैसे ये तो सभी को पता है कि प्रभु श्रीराम चार भाई थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी एक बहन भी थी। ठीक ऐसे ही बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान श्रीराम के अलावा उनके तीन भाई किसके अवतार हैं। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ जान जाएंगे, तो फिर देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने प्रभु श्रीराम के रूप में अवतार लिया था, जबकि श्रीराम के छोटे भाई के रूप में भगवान शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। वहीं भरत और शत्रुघ्न भगवान राम के ही अंश थे। ऐसे में जब भगवान श्रीराम ने धरती पर सत्य की स्थापना कर स्वर्ग जाने लगे और अपने मूल स्वरूप में विलीन होने लगे, तब भरत और शत्रुघ्न भी भगवान राम के शरीर में समा गए। नंबर दो, श्रीराम की एक बहन भी थी। वहीं प्रभु श्रीराम जी की बहन शांता के लिए कहा जाता है कि आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया। महर्षि श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह हुआ था। नंबर तीन, रामायण के 24,000 श्लोकों से है गायत्री मंत्र के 24 अक्षर। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस महापवित्र महाकाव्य का सार है। नंबर चार, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में नहीं है स्वयंवर का वर्णन। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्रीराम को वो शिवधनुष दिखाने के लिए कहा। वहीं रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। श्रीराम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के दौरान हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष को उठाना था और प्रत्यंचा चढ़ानी थी। सभी राजकुमार हार गए थे। उसके बाद जाकर श्रीराम ने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, जिसके बाद उनका विवाह माता सीता से हुआ। भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर पांच, रावण वीणा वादक। आपको एक रहस्य की बात बताते हैं, और वो ये है कि एक महान योद्धा होने के साथ साथ रावण एक बहुत अच्छा वीणा वादक भी था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। यह बात सच थी कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था, लेकिन इसके साथ ही रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा का चिन्ह बना हुआ था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन रावण को यह यंत्र बजाना बेहद पसंद था। नंबर छठा, रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। रामायण की पूरी कहानी में लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा का वर्णन नहीं है। यह रेखा लक्ष्मण वन में उसी झोपड़ी के चारों ओर स्थित है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ठहरे थे। उस दौरान होता यूं है कि माता सीता श्रीराम से हिरण को पकड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन वह हिरण भेष बदल कर आया होता है और जैसे ही श्रीराम उस पर बाण चलाते हैं वह राक्षस घायल हो जाता है और मरते मरते भगवान राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को रोती हुई आवाज में पुकारता है,
यह सुनकर माता सीता चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण से अपने भाई राम की मदद करने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण पहले तो जाने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर वह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते समय लक्ष्मण एक रेखा खींच कर जाते हैं और सीता माता से कहते हैं कि वह इस रेखा को पार न करें। जानकारी के लिए बता दें कि लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस में रावण की पत्नी ने इस बात का जिक्र किया है। नंबर 7, लक्ष्मण को राम द्वारा मृत्यु देने का कारण। अपने भाई लक्ष्मण से राम जी बहुत प्यार किया करते थे, वह उन्हें बहुत प्रिय थे, लेकिन फिर भी राम ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे कहानी है जो इस प्रकार है। यह बात उस समय की है जब श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए और वहां के राजा बन गए। उनके पास एक दिन यम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए। बात शुरू करने से पहले यम भगवान राम से कहते हैं कि हमारे बीच की बात के दौरान कोई भी यहां नहीं आएगा, अगर इस समय कोई आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। भगवान राम ने यम देवता को इस बात का वचन दिया था। उन्होंने फिर लक्ष्मण से कहा कि यहां कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अंदर आया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण द्वार पर खड़े हो गए, लेकिन उसी समय वहां ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने राम से मिलने के लिए कहा। लक्ष्मण के मना करने पर वह क्रोधित हो गए और पूरी अयोध्या को श्राप देने के लिए कहते हैं। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने स्वयं का बलिदान देने की सोच ली और उन्होंने ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना राम को दी। श्री राम के लिए यह बहुत ही दुविधाजनक था, क्योंकि अब उनके वचनों के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। तब श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का सम्मान करते हुए इस परेशानी का हल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह लक्ष्मण को मृत्यु दंड ना दें, बल्कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दें। इस तरह श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। यह बात सुनकर लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि वह उनका त्याग न करें। उन्होंने भगवान राम से कहा कि आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। और फिर लक्ष्मण ने जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। नंबर 9, उस जंगल का क्या नाम जहां राम लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। लोगों को पता है कि राम लक्ष्मण और सीता ने 14 साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों से घिरा होता था। नंबर 10, रावण की गुफा। ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगा है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के पास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। दोस्तों, यह थी रामायण से जुड़ी हुई वह बातें जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।